आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी स्पोर्ट। टोक्यो ओलंपिक्स में अब केवल 50 दिन शेष रह गए हैं। सारे क्वालिफाइड खिलाड़ी अपने दमखम के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी क्वालिफाइड खिलाड़ियों का वर्चुअल रूप से जायजा लिया और सभी खिलाड़ियों को कहा कि वो अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें। खिलाड़ियों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे तथा उनकी ट्रेनिंग से जुड़ी सारी सुविधाओं को मुहैया कराई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब तक 11 खेलों के लिए 100 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है और सभी 25 खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक के लिए अब तक कुल 26 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जबकि 16 अन्य खिलाड़ी अभी तक क्वालिफाई कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रेरित करने और उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ना ही उनकी तैयारी में कोई दिक्कत आए। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से खिलाड़ियों का विदेश में जाकर प्रैक्टिस कर पाना इस बार संभव नहीं हुआ, पर विदेशी कोच के द्वारा कुछ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग चल रही है। भले ही कोविड की वजह से उनके प्रैक्टिस में कमी आई है, उनको खुद को आंकने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है क्योंकि कोविड की वजह से वह विदेशों में रहे प्रतियोगियों में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, पर फिर भी खिलाड़ियों को जोश और उत्साह को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि वे ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खिलाड़ियों के मनोबल में कोई कमी न आए इस वजह से 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक के दौरान भारत में उनके माता पिता या परिजनों से नियमित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बात करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओलंपिक क्वालिफायर हो चुके खिलाड़ियों को टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्वालिफाई करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी और संबंधित स्टाफ और कोच का जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर चुके शीर्ष अटलर प्लेयर पीवी सिंधु ने अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि वह अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के लिए एक नया तरीका सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जमकर पसीना बहा रही हैं और साथ ही एक नई तकनीक दाव पेच सीख रही हैं। उन्होंने ओलंपिक के लिए खुद को पूरी तरह तैयार बताया है। सिंधु पिछली बार 2016 के ओलंपिक में कारोलिन मारिना के फाइनल में हार गई थी, परंतु कारोलिन इस बार अपने घुटने की चोट की वजह से हो सकता है कड़ी टक्कर ना दे पाएं, पर फिर भी सिंधु खुद को इसके लिए तैयार कर रही हैं। आज के टीडी स्पोर्ट्स में इतना ही, देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।